हीट वेव का असर देखा जा रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है, चेहरे झुलसते जा रहे हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और इस बीमारी में ये जो हीट वेव है, इसका असर केवल इंसानों पे नहीं है बल्कि इसका असर पेड़ पौधों पे भी पड़ता है। आप जैसा मैं दिखा रहा हूँ, एक नर्सरी में मैं आया हुआ हूँ और आज हम आपको बताएंगे कि इस धूप में से जो तेज़ हीट वेव का जो चल रहा है प्रकोप, इसमें पौधों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, कौन से पौधों का आप घर जो को उसको धूप से बचाने की ज़रूरत है और किस पौधे को आपको धूप में भी अगर रखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन उसको भी किस तरह से उसका बर बचाव करना ज़रूरी है, इसके लिए हम नर्सरी में आ गए हैं। एक पटना के जगदेव पथ में नर्सरी है और वहीं पे आ गए हैं। हमारे साथ हैं मनीष कुमार वर्मा जी, जो करीब 18 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, नर्सरी के व्यवसाय से। मनीष जी, पहले तो आपको मैं एक धन्यवाद आपका करता हूँ कि बाहर से अंदर आने पर 5-6 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया है ना। हीट वेव का बड़ा ही असर चल रहा है, काफ़ी तेज़ धूप हो रहे हैं। पौधों को इस समय कौन से पौधों को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान है और कौन से पौधों को चल मतलब थोड़ा है तो चल जाएगा? देखिए, अभी जो है ना, जितना टेम्परेचर बढ़ गया है, इसमें जितना भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट में है कि जैसे विदाउट फ्लावरिंग प्लांट में जैसे मान लीजिए करोटन है, इस प्लांट का जो पत्ता है जिसका लीफ चौड़ा चौड़ा होता है ये, और इसमें फ्लावरिंग नहीं आता है, तो ये सब है कि आपको कम धूप चाहिए, क्योंकि ज़्यादा धूप मिलने के बाद इसका पत्ता उत्ता में स्पॉट आ जाएगा और ये सब खराब होने लगेगा, तो इसको कम टेम्परेचर चाहिए। इतना हाई टेम्परेचर में मान लीजिए छत पे लोग रख दिए, धूप में खुला हुआ है तो ये गड़बड़ाएगा, तो इसके लिए है कि कुछ ना कुछ आपको टेम्परेचर को कम करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। या तो मान लीजिए कि घर में जो भी है आपका शेडेड टाइप का एरिया या छज्जा उज्जा निकला हुआ है उस साइड में कर दीजिए, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अपना नेट उठ है, ग्रीन नेट है, तो इसको यदि आप डाल देते हैं, बहुत में नहीं डालिए तो हल्का में डाल दीजिए, दोपहर में डाल दीजिए, फिर अपना हटा दीजिए शाम के टाइम में, तो ये आपका बच जाएगा। ऑर्नामेंटल प्लांट में जितना भी सारे हैं, ऑर्नामेंटल जिनमें फ्लावरिंग नहीं होता है, विदाउट फ्लावरिंग, जैसे आप देखिए तब ये आपका अरेलिया हो गया, ये आपका दिखाइए विक्टोरिया हो गया, अरेलिया हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, जितना जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सब है कि आपको कम धूप चाहिए, इसको ज्यादा धूप मिलने के बाद वो गड़बड़ाएगा। अच्छा, गड़बड़ाने लगता है। हाँ, कितना टेंप धूप इनको करीब करीब कितना तापमान तक सहने की क्षमता है? मोटा मोटी मान के चलिए ना, अभी जो टेम्परेचर है वो मौसम में कितना देख रहे हैं, कम से कम 40 तो पहुंच गया है, ये सबको है कि कम से कम 20 चाहिए, ये अधिक से अधिक 20 चाहिए, 20 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा तो बहुत ही बेटर रहेगा, उससे ऊपर जाने के बाद ये लोग को प्रॉब्लम आने लगता है, इसलिए ये सबको है कि शेडेड ऑर्नामेंटल में खासियत ही है ना कि लोग शेडेड में रखता है, बालकोनी में रखता है, इसीलिए कि हम जितने भी कस्टमर हैं तो बालकोनी में फ्लावरिंग लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जब उनको धूप नहीं मिलता है तो फ्लावर हो ही नहीं पाता है, क्योंकि बिना सनलाइट का फ्लावर होगा ही नहीं, फ्लावरिंग वाला को अधिक से अधिक सनलाइट चाहिए, तो लोग ऑर्नामेंटल लगाते हैं। लगाने का मकसद यही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करे, धूलकण को कंट्रोल करे, तो उसके लिए है कि अपना ऑर्नामेंटल लोग लगा दिए और कम से कम धूप में बहुत अच्छा प्लांट रहता है, हेल्दी प्लांट रहता है, तो उसको कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन धूप इसको भी चाहिए। हाँ, लेकिन धूप चाहिए, ऐसा नहीं कि आप घर के अंदर रखिए। प्लांट देखिए, प्लांट 3 कैटेगरी में है, एक है जो आपका फुल्ली इंडोर है, जो एकदम घर के अंदर रह जाएगा, ऐसे कोई भी प्लांट है उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको सनलाइट चाहिए, बट होता क्या है कि कुछ प्लांट हैं जिसको पेड़ के नीचे छाया में हो जाता है, जैसे ऑर्किड हो गया, एंथोरियम हो गया, वो सबको है कि डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा तो गड़बड़ा जाएगा, कम सनलाइट में ही बेटर होगा, तो वैसे कुछ कुछ प्लांट है जिसको हम लोग इंडोर का नाम दिए हैं, जो इंडोर रूम के अंदर आदमी रख करके और उसको डेवलप कर लेता है, हीट से ही वो, हाँ, हीट से अपना जो है वो प्रकाश संश्लेषण का काम कर लेता है, तो वो आपका 2-3 प्लांट वैसे हैं, जैसे इसमें जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये चीजें हैं, ये है आपको जो सेमी इंडोर का प्लांट, सेमी इंडोर थोड़ा मोड़ा आना ही चाहिए, हाँ, धूप आना चाहिए, इनको सेमी इंडोर का प्लांट है, ये सबको जरूरी है, धूप नहीं आएगा तो फिर खेल गड़बड़ा जाएगा। और दूसरा जो फूल फ्लावर में है, फ्लावरिंग प्लांट जो है, जैसे ये सब आपका ट्रिकोमा है,
ये सब को है कि आपको सनलाइट चाहिए, ये सनलाइट मिलेगा तो प्लांट हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। देखिए टेम्परेचर की, अभी जितना टेम्परेचर हो गया है तो टेम्परेचर से इस प्लांट को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस प्लांट को है कि आप जो पॉट में लगा करके रखे हुए हैं तो पॉट का मिट्टी जो है आपको सूख जाता है, चूंकि वहाँ तो लिमिट मात्रा में मिट्टी है ना, अब 12 इंच का गमला है या 18 इंच का गमला है, आप सुबह पानी दिए, पानी देने के बाद जितना हाई टेम्परेचर है 2 से 3 घंटे में मिट्टी सूख जाता है, जैसे ही इसका नमी भागेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका रूट जो है अंदर गड़बड़ाने लगेगा और प्लांट खराब होने लगेगा, समझ गए ना, कहानी तो पूरी नमी से है। अब यही चीज प्लांट यदि जमीन में लगा हुआ है, कितना हो टेम्परेचर हाई है तो प्लांट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हेल्दी ही रहेगा प्लांट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम नमी बनाए रखना, नमी बनाए रखना होगा। और हाल बचाना क्या है, कैसे इसका बचाव कैसे किया? देखिए बचाव के लिए दो चीज धूप में, धूप में दो चीज है, एक तो है कि जैसे अभी आपको पानी जो है सुबह सुबह यानी हाव डालना है, बहुत लोग पानी पे भी आ जाइए, बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह डाले कि शाम को डाले, तो एक्चुअली पानी अभी का जो टेम्परेचर है उसमें सुबह एकदम मस्त है, यदि शाम में नहीं भी पड़ा तो चल जाएगा काम, लेकिन आपको शाम में जरूरी डालना है, ये सुबह में जरूरी डालना है, क्योंकि शाम सुबह में डाल दिया तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 4 घंटा आपको खींच लेगा, बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन कर जाएगा तो फिर उतना झमेला नहीं है। और रात में है कि आप पानी यदि नहीं भी दिए तो किसी तरह प्लांट सिकुड़ेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, फिर सुबह में पानी देना एकदम जरूरी है। कुछ लिक्विड ऐसा हाँ। कुछ चीजें अब है कि गर्मी में प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बेटर होता है, जैसे अभी आपको जो है लिक्विड फर्टिलाइजर, अभी जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर, अभी जैसे है कि गर्मी में लोग कहते हैं कि प्लांट का मेरा पत्ती जो है लीफ जो है वो पीला हो जा रहा है, उसको क्या करें? पीला वजह क्या? पीला देखिए पीला होने का दो वजह होता है, एक पहला तो है कि अभी मिट्टी में यदि आपको माने पानी मॉइस्चर रोकने की कैपेसिटी यदि कम है, यानी मिट्टी का मात्रा अधिक है और उसमें आपका जैविक फर्टिलाइजर कम है तो 100% है कि नमी जल्दी भागेगा, जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गया या आप गोबर ले लीजिए, गोबर और बर्मी कंपोस्ट का मात्रा यदि उसमें पर्याप्त मात्रा में है तो कुछ टाइम तक वो नमी आपको बना करके रखेगा, तो उसके चलते यदि नमी भागेगा, मिट्टी का मात्रा ज़्यादा है तो उसमें आपको पीलापन आना शुरू होगा, चूँकि प्लांट को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा और नमी का मात्रा तो उसमें जल्दी जाएगा, तो उसके लिए है कि लोग पीला हो जाने के बाद बोलते हैं कि क्या खाद डालें, तो अब उसमें है कि जितना अभी टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर में ज़्यादा खाद देना भी आपको नुकसानदेह है, वो भी आपको प्लांट को हर्जा करेगा, यदि आप केमिकल डालते हैं तो और परेशानी का कारण बनेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कोई भी है कि प्लांट को देने के बाद एक बार यदि आप डाल दिए तो वो तुरंत कन्वर्ट नहीं होता है, उसको प्लांट तुरंत ले नहीं पाता है, क्योंकि वो डालने के बाद कुछ टाइम लगता है, वो जब सड़ता है तो सड़ने के बाद कार्बनिक खाद में कन्वर्ट होता है तब ना उसको प्लांट ले पाता है, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यदि आप डाल रहे हैं तो एक बार यदि आप डोज भर डाल दिए तो फिर उसको 3 महीना के बाद रिपीट करना है, तुरंत नहीं डालना। अभी लिक्विड और ये आपका पूर्ण रूप से जैविक है, इसको हम लोग बर्मी वास बोलते हैं, ये बर्मी वास जैसे बर्मी किस चीज से बनता है, ये आपका बर्मी कंपोस्ट जो वर्म्स जिसको बोलते हैं केचुआ, उसको डाल करके गोबर में और वो उसको खाता है और खाद करके जब वो निकालता है तो उसको बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, गोबर को खा करके जो निकाला उसको बर्मी कंपोस्ट, तो केचुआ का प्रोसीडर है कि उसका पूरा बॉडी से सराव चलते रहता है, वो बराबर देखिएगा कि जमीन पे चलेगा तो एक लाइनिंग बन जाएगा, तो उसका बॉडी से बराबर जो है वो नमी सराव जो है निकलते रहता है, तो वो जब गोबर के अंदर डाल दिया जाता है ना तो उसका भी बॉडी से सराव निकलते रहता है, तो केचुआ का मात्रा बहुत सारा रहता है, तो वो जो नीचे फर्श जो है वो प्लास्टर किया हुआ रहता है तो या पन्नी डाल दीजिए तो उसका जो पानी है ना वो धीरे 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 रिस करके बाहर आता है, तो बाहर आता है तो वही उसका केचुआ का जो बॉडी का सराव है वो इसके अंदर है, जिसको वर्मी वास बोलते हैं, वर्म्स का जो वास हुआ वो आपका इसके अंदर है, इसके बाद इसमें और नीम वेस्ट किया हुआ है, नीम का जो लीफ हुआ उसको डाइल्यूट करके सड़ा करके और इसमें मिलाया हुआ है, तो ये आपको जो वर्मी वास है यानी केचुआ का जो स्राव है वो अपने आप में एंटी फंगल है, उससे है कि आपका कोई भी फंगस नहीं लगेगा, यदि इसको 1 लीटर पानी में 200 ml मिला करके और स्प्रे कर देते हैं तो किसी तरह का कोई फंगस उस पर नहीं आएगा, और ग्रोथ प्रमोटर तो खैर जबरदस्त करेगा, ग्रोथ को बढ़ा देगा, गर्मी के लिए बेहतर, गर्मी के लिए बेहतर है, यदि ऊपर से आप स्प्रे कराते हैं तो इसमें नीम वेस्ट भी है तो एक तो कोटेड भी कर देगा, नीम कोटेड जिससे आपका है कि थ्रिप्स वगैरह
जो कीटनाशक हुआ कीड़ा वगैरह वो आपको नहीं लगेगा। यदि कीड़ा भी लगता है तो दोनों चीज में नुकसानदेह है। यदि आप कीड़ा लग गया तो गर्मी के टाइम में यदि केमिकल दवा का स्प्रे करते हैं तो वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल है, उसका ग्रोथ को डाउन कर देगा क्योंकि वो भी गर्म होता है, नुकसान करेगा। तो उससे सेफ्टी के लिए है कि इसको आप महीना में एक बार स्प्रे मारिए, वो आपको बहुत जबरदस्त काम करेगा। और इसी को यदि आपका प्लांट का पत्ता झड़ रहा है, पीला हो रहा है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर को ही 1 लीटर पानी में 200 ml डाल करके, और मिट्टी ड्राई रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, और उसमें डाल दीजिए। और डालने का इसका तरीका है, या स्प्रे कीजिए या जड़ में डालिए, तो शाम में ही डालिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जब डालिएगा ना तो इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया मिट्टी में फैल जाएगा और पूरी तरह से, और उसका जो है विशेष तौर से गर्मी में इन चीज़ों का ध्यान, जो आप चीज़ें बताएं मिला जुला के वही है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। मनीष कुमार वर्मा जी ने पूरे विस्तार से कहानी बताया कि कैसे आपको गर्मी के मौसम में अपने पौधों को ध्यान रखना होगा, कौन से पौधों को आपको धूप में रखेंगे तो भी चलेगा, किसको आपको धूप से हटा के, मतलब छत जो तेज़ धूप पड़ रहा है उसमें से आपको वहाँ से हटा के उसको थोड़े से ठंडे जगह पे आपको रखने की ज़रूरत होगी, ताकि तभी आपके पौधे सुरक्षित रह सकते हैं। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।